शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है, शिव ही ओंकार है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज यानी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोले शंकर की पूजा करने के लिए हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर में सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या है अंतर। कई लोगों को महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग-अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती का विवाह उपलक्ष्य में माना जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वही शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शिव भक्त बेहद ही खास तरीके से मनाते हैं। भोलेनाथ के भक्त इस दिन को श्रद्धा भाव और पूरे होशोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन शिव भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर भी जरूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।